नमस्कार दोस्तों, मैं रागिनी शुक्ला अपने चैनल के माध्यम से, जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक साइंस एनटीए एंड पीसीयूस, आपकी तैयारी करवाने आई हूँ। दिस इज फ्रॉम द सब्जेक्ट बेसिक्स ऑफ कंट्रोल सिस्टम, मॉक टेस्ट 106। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलेटेड टू रेशनल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम। ट्रांसफर फंक्शन जनरली आपने देखा होगा, अगर एक्सिस आपका इनपुट है, ठीक है, और ये आपका आउटपुट है, दिस इज योर आउटपुट, ये सिस्टम रिस्पॉन्स, ये आपका सिस्टम का, आप इसको कई बार टाइम डोमेन में इसको इम्पल्स रिस्पॉन्स कहते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में इसको फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहते हैं। वैसे हम एस इज इक्वल टू सिग्मा प्लस जे ओमेगा होता है। अगर हम सिग्मा को जीरो लिख लें तो एस, ये जो एच एस है इसको हम लिख सकते हैं एच ऑफ ओमेगा, जैसे जे ओमेगा है तो हमने इसको ऐसे ले लिया। देखिए, अब ट्रांसफर फंक्शन की कौन सी डेफिनेशन रिलायबल है? रेशियो ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू इनपुट विद जीरो इनिशियल कंडीशंस, ये कभी देखा है आपने? नहीं। फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है? एफ ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ टी ई माइनस जे ओमेगा टी डी टी, यही होता है। रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट विद जीरो इनिशियल कंडीशंस, ये सही है। मेनली जो ट्रांसफर फंक्शन का डेफिनेशन है, इट इज मेनली रिलेटेड टू द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट विद जीरो इनिशियल कंडीशंस। थर्ड है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स। सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स क्या है? ये एच टी है, ठीक है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स, मतलब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? एच एस भी तो लिख सकती हूँ। तो एक ये डिफिनेशन सही है। एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सिस्टम यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, ये सही नहीं है। यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स का मतलब ये हुआ कि ये यूटी है, तो यहाँ पे आपका जो ये यूएस, जो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा वो क्या होगा? 1/s होगा ना। यहाँ पे इसका कोई स्टेप रिस्पॉन्स निकलेगा, यानी कि यही आपका आउटपुट है। मेनली जो इसकी दो डेफिनेशंस हैं वो यही है कि जो ट्रांसफर फंक्शन होता है रेशनल, इट इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द इनपुट विद जीरो इनिशियल कंडीशंस। एंड सेकेंडली, लाप्लास ट्रांसफॉर्म सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स, सिस्टम का, सिस्टम लिखा है सिस्टम इम्पल्स रिस्पॉन्स, एच टी का जो हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। मेनली हम एच एस ही तो निकालते हैं। एच एस इज इक्वल टू क्या होता है? वाई एस अपॉन एक्स एस, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन होगा आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस, आपका ये बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिएंट परफॉर्मेंस ऑफ अ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज नॉर्मली एनालाइज्ड बाय यूजिंग अ यूनिट स्टेप फंक्शन एज द रेफरेंस इनपुट, ठीक है। देखिए, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ट्रांजिएंट फीडबैक कंट्रोल सिस्टम, फीडबैक आप जनरली क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ द आउटपुट इज फेड बैक टू द इनपुट। इसको आप कैसे एनालाइज करते हैं? बाय यूजिंग अ यूनिट स्टेप फंक्शन। हम जनरली यूनिट स्टेप फंक्शन जो होता है, ये हमारा रेफरेंस्ड स्टैंडर्ड इनपुट होता है। इसको इनपुट मान के हम नॉर्मली पूरे फीडबैक कंट्रोल सिस्टम को एनालाइज करते हैं। बिकॉज जो यूनिट स्टेप फंक्शन, इट इज द मोस्ट कॉमन इनपुट फाउंड इन प्रैक्टिस, इसीलिए करते हैं। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि इसने एक आपका देखिए, ट्रांजिएंट मतलब चेंजिंग, ऑन स्टेडी मतलब क्या होता है? फिक्स्ड। तो यहाँ पे ये अजर्शन सही है, रीजन भी सही है, बट द रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला, इफ द ओपन लूप फंक्शन ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज इतना, ठीक है, देन द क्लोज लूप पोल विल बी लोकेटेड एट। देखिए, ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है? के की वैल्यू निकालनी है। टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, जो मैग्नीट्यूड कंडीशन हम यूज करेंगे, दैट मीन्स मॉड ऑफ जी एस एच एस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब आप इस चीज को अगर मैं ऐसे लिख लूँ, के ऑफ एस प्लस 10 डिवाइडेड बाय एस ऑफ एस प्लस 8, एस प्लस 16, एस प्लस 72, ओके, इसका जो है दिस इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब आप इसमें, अब इसमें इसने आपको ऑलरेडी दिया है कि क्लोज लूप पोल विल बी लोकेटेड एट एस इज इक्वल टू माइनस 12। हमें एस इज इक्वल टू माइनस 12 पे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? के ऑफ माइनस 12 प्लस 10 डिवाइडेड बाय माइनस 12 इंटू माइनस 12 प्लस 8 इंटू माइनस 12 प्लस 16 इंटू माइनस 12 प्लस 72। यही लिखोगे, इसको आप लोग खुद एक कॉपी लेके ना आप लगाया कीजिए इसको, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 1। मैंने क्या करा, इसको साइड्स को थोड़ा वैसे कर लिया। अब आप इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा? 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ के इंटू माइनस 2
यही होगा डिवाइडेड बाय माइनस 12 इंटू माइनस 4 इंटू 4 इंटू ये कितना हो जाएगा 60, यही होगा। अब आप देखिए ये माइनस माइनस कैंसिल, 2 6 जा 12 विच इम्प्लाइज आपकी के की वैल्यू कितनी होगी 6 इंटू 16 इंटू 60, दैट मीन्स ये कितना हो गया 16 6 जा 96 इंटू 60, दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 6 6 जा 36 6 9 जा 54 5760। तो आपका जो ऑप्शन आएगा देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है ना, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ ए यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम इज दिस मच। ठीक है, जब भी हम कहते हैं ये तो ओपन लूप है, इसका मतलब आपका क्या है फीडबैक नहीं लगा है, एंड यूनिटी फीडबैक जब भी हम कहते हैं तो इसमें जो एच एस है फीडबैक ट्रांसफर फंक्शन, ये यूनिटी होता है, यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। तो हमें क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। देखिए जी एस आपको दिया है 1/s+2 का होल स्क्वायर, इज इंट इट, एच एस आपको दिया हुआ है इज इक्वल टू 1। तो जो आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन होगा, सी एल टी एस लिख रही हूँ मैं इसको, दिस विल बी इक्वल टू आउटपुट सी एस अपॉन आर एस। ये क्या है आपका जनरली आउटपुट होता है ना, ये इनपुट होता है सी एस अपॉन आर एस। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, जी अपॉन 1+GH, यही लिखते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए G अपॉन 1+GH, H तो 1 ही हो गया, यहाँ पे ये सिस्टम कैसा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि अगर ये RS है, यहाँ पे क्या है आपका GS है, और ये आपका इस तरीके से फीडबैक सिस्टम दिया है, यही तो दिया है आपको, ये आपका CS है। तो यहाँ पे ये जो HS है ये तो 1 ही है ना, जब आप CS अपॉन RS निकालोगे तो क्या होगा, GS अपॉन 1+GH होता है, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा। ओके, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 1/, मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रही हूँ, एस प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि डिनोमिनेटर में देखिए 1/s+2 का होल स्क्वायर, 1+1/s+2 का होल स्क्वायर वो, ठीक है, तो वो इधर आ जाएगा और ये दोनों जो डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे पहले तो आप ये इसको देखिए कितना हो जाएगा, एस स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 प्लस 4s+5। अब आप इसको देखिए ये होगा एस स्क्वायर प्लस, ये मैं इस चीज को कैसे लिख सकती हूँ, इसको मैं लिख सकती हूँ ये जो आपका इक्वेशन है, मैं अगर इसको लिखूँ तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, सॉरी एस प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, सॉरी ये इसके जो रूट्स बनेंगे, अगर ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है आपकी तो इसके जो रूट्स बनेंगे मैं इसको लिख सकती हूँ, रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वो क्या होगा, यहाँ से निकालिए s इज इक्वल टू माइनस 2, ये जो है ना आपका s प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, s प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1, तो माइनस 2 प्लस माइनस इसकी वैल्यू j 1 हो जाएगी। तो यानी कि जो रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है दिस विल बी इक्वल टू पोल्स ऑफ क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा। तो क्लोज लूप पोल्स क्या हो जाएंगे आपके, माइनस 2, देखिए ये कैसा आएगा आपका क्लोज लूप पोल, ये सिग्मा है ये जे ओमेगा है, तो यहाँ पे ये तो आपका माइनस 2 हो गया, एंड प्लस माइनस जे 1, ये और ये हो जाएगा जे 1, यही होगा ना, देन कहने का मतलब है ये माइनस 1 हो गया, तो सॉरी ये यहाँ पे ऐसा नहीं है, ये 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस 1, तो जे 1 माइनस जे 1, तो कितना हो जाएगा इसका माइनस 2 प्लस माइनस जे 1, यानी कि ये आएगा आपका पार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन ऑल द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आर फाउंड इन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एस प्लेन द सिस्टम रिस्पॉन्स ड्यू टू इनिशियल कंडीशन विल बी। जब सारे रूट्स आपके लेफ्ट हैंड साइड में होंगे, ये आपका होता है सिग्मा, ये होता है आपका जे ओमेगा, ये जीरो होता है, यहाँ पे आपका माइनस जे ओमेगा होता है। जब सारे रूट्स आपके LHS ऑफ एस प्लेन में पाए जाएंगे तो सिस्टम रिस्पॉन्स इनिशियल कंडीशन में, जब सारी कंडीशन जीरो हैं तब क्या होगा, तो इसका आंसर होगा इट विल डिक्रीज टू जीरो एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। ये आप स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जब आपका इनिशियल कंडीशन जीरो होगा तो जैसे ही एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी जो आपका सिस्टम रिस्पॉन्स है इट डिक्रीजेस टू जीरो, दैट मीन्स एच टी हुआ ना ये इम्पल्स रिस्पॉन्स, मेनली जब सारे रूट्स एलएचएस में तो वो स्टेबल होगा, तो मेनली क्या होता है ये आप देखिएगा, इसको ऐसा रिस्पॉन्स आता है क्या, अभी हम पढ़ेंगे तो ये इसका
ये होगा. तो कितने क्वेश्चंस हो गए? तो थैंक यू, ये आज आपके 5 क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, क्योंकि अभी आप लोग एग्जाम्स में बिजी हैं तो ज्यादा क्वेश्चंस आप अभी पूरा रिवीजन पे फोकस करेंगे. मेरे इतने सारे मॉक टेस्ट बन गए हैं, उसको भी रिवाइज करने में टाइम लगेगा. तो मैं आपको 5 ही क्वेश्चंस अभी कराती हूँ. धीरे धीरे आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोग फर्दर क्या पढ़ना चाहते हैं. प्लीज मेक श्योर कि आप मेरे अन अकेडमी को फॉलो कर रहे हैं. अन अकेडमी में जाइए, अन अकेडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल कीजिए अपने फोन पे. उसमें रागिनी शुक्ला बीटेक एमटेक ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन से रिलेटेड आप सर्च कीजिए तो मेरे आपको कोर्सेज मिलेंगे. और बहुत अच्छे कोर्सेज हैं, फ्री में हैं. प्लीज़ उनको ज़रूर पढ़ेगा, क्योंकि ये सारे जो सब्जेक्ट्स मैं पढ़ा रही हूँ वहाँ पे वो ऐसे कोई लेता नहीं है. माइक्रोवेव थ्योरी एंड टेक्निक्स, ठीक है, मैंने 2 कोर्सेज चलाए हैं, आप प्लीज़ इसको फॉलो कीजिएगा. मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फॉलो मी ऑन अकेडमी लिंक उसमें. और बाकी मैं इसमें तो पढ़ा ही रही हूँ, ठीक है. मेरा रेफरल कोड भी है उसमें, रागिनी शुक्ला 1982 5538, उसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स. Okay.